निकालते 15 लाख हुए की मेहनत, हम वही अब काम कर ले, इतनी मजदूरी इतनी करेगा मैं। राम राम भाइयों, के हाल चाल साथियों। आज हम आए हुए हैं द्वारका दिल्ली के अंदर, जहां पे मशरूम की खेती हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये कीड़ा जड़ी नाम से एक अलग टाइप का मशरूम होता है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी होती है। और हम अभी दिल्ली के बीचों बीच हैं, घर के अंदर जहां पे 20 बाय 10 के कमरे में ये कीड़ा जड़ी की खेती हो रही है, और काफी अच्छा बिजनेस मॉडल मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपको बिजनेस के ओनर से मिलाते हैं और पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं कि ये क्या बिजनेस है, आप शुरू कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर क्या सिस्टम बिठाना पड़ता है। तो नमस्कार मैम, एक बार छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। जी, मेरा नाम सुमन सुखीजा है और मैं 6 ईयर से काम कर रही हूँ कीड़ा जड़ी पर। तो इस खेती की शुरुआत आपने 6 साल पहले करी। जी, ये चीज ऐसी है कि अभी भी लोगों को ज्यादा इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं, तो आपको इसके बारे में मालूम कैसे चला और आपने शुरू कैसे करा, थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए ना। मुझे एक्चुअली पता चला था, मैं बटन मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी, बटन मशरूम, ऑस्ट्रो मशरूम की। तो वहीं पर मुझे पता चला कि एक कीड़ा जड़ी, जिसे हम कॉर्डिसेप्स भी कहते हैं, ये एक भी एक मशरूम होता है और जिसका प्राइस काफी हाई होता है, मीन्स सुपर मशरूम कहते हैं। प्लस इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, तो मुझे काफी अट्रैक्ट किया कि एक तो घर के कमरे से स्टार्ट किया जा सकता है और ज्यादा उसके अंदर आपको लेबर की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्या, इनफैक्ट सिंगल हैंडेड किया जा सकता है, तो मैं इसे सिंगल हैंडेड ही कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स थे। सेकेंड ये था कि आपको इसे रो सेल नहीं करना, मीन्स रो सेल करना है लेकिन फ्रेश सेल नहीं करना। आप इसे ड्राई करेंगे फिर सेल करेंगे, तो जिससे इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा हो जाती है, तो वो प्रेशर भी नहीं है कि हमने इसे इमिडिएटली फ्रेश में निकालना है। अच्छा, तो स्टोरेज कर सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर कर सकते लेबर हैं कम लगती है, जी अकेले काम कर सकते हैं जी और अपने घर में बैठ के ही कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल इसलिए आपने ये चालू करा। जी तो अब ये जैसे 20 बाय 10 का कमरा है, राइट, जी इसको सेटअप करने में कितनी कॉस्टिंग आ गई होगी, अगर क्योंकि इसमें एसी भी चाहिए और वो बिजली भी खाता है, इसमें ये लोहे के रैक हैं और सूरज की रोशनी नहीं है तो एलईडी लाइट्स भी हैं, थोड़ा सा कॉस्ट बाइफरकेशन समझा पाएंगे कि सेटअप करने में खर्चा कितना आ जाएगा। देखो, अगर हम मिनिमम कॉस्ट पे करें तो 3 to 4 लाख में कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, जिसके अंदर हम जैसे भी ये मैंने जब स्टार्ट किया था 10 बाय 10 के रूम से किया था, तो 3 to 4 लाख में अपना स्टार्ट हो सकता है। देखो, आप जितना एक्सपेंड करेंगे डेफिनेटली कॉस्टिंग आपकी उतनी बढ़ जाएगी। तो जैसे और अभी ये करंट लैब है हमारी 20 बाय 10 की, इसमें दुनिया भर के इक्विपमेंट है, एक नहीं 2 AC लगे हुए हैं। 2 AC हम एक साथ नहीं चलाते हैं, अच्छा ये 1 बाय 1 AC यूज करते हैं, ठीक है, एक हमारा स्टैंड बाय के लिए होता है, अच्छा वो दो एसी खराब हो लगा जाए तो जा। ठीक है, तो 1.5 टन की AC से काम चल जाएगा। और ये सेटअप में एक तो AC का मेन खर्चा है, आई थिंक तो 50,000 के अंदर एक अच्छा AC आ जाएगा 1.5 टन का, और क्या क्या इक्विपमेंट्स में जैसे खर्चा हुआ है। ये आप लैमिनार देख रहे हैं, इसमें लेमिनार, हाँ लैमिनार एयर फ्लो है। ये क्या करता है। ये जो हम बना रहे हैं कीड़ा जड़ी, ये बेसिकली हिमालयस का कॉन्सेप्ट है, हिमालयस पे नेचुरल वे में हमें मिलती है, राइट, उसी को ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक कंट्रोल हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट्स पे जाएंगे वहां पर बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर कंटेमिनेशन नहीं हो। तो ये अच्छा लामिनार हमारे उसमें हेल्प करता है कि पीछे से सैनिटाइज एयर का, करता हाँ है। पीछे नहीं, पीछे से एयर का फ्लो होता है तो अंदर बैक्टीरिया जाने के चांसेस नहीं होते। अच्छा, तो फिल्टर की तरह काम करता है बिल्कुल। बेसिकली जो ये कीड़ा जड़ी है, ये एक वाइल्ड हर्ब है, हिमाचल और हिमालय में, नेपाल, बेसिकली नेपाल चाइना साइड साइड बहुत है। भी, नेपाल साइड भी, ये कई सालों से मिलते आ रहे हैं और पहले बहुत क्लेम्स थे, अब साइंटिफिक बैकिंग आ गई है कि इससे हेल्थ में काफी बेनिफिट है। और उसको कल्चर करके साइंटिस्ट ने लैब में सेम इन्वायरमेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए अब दे रखा है, और क्योंकि हिमाचल के अंदर ठंड होती है तो वहां पे बैक्टीरियाज कम होते हैं, और वही बैक्टीरियाज को रोकने के लिए ये लैमिनार मशीन लगा रखी बिल्कुल है। ये कितने बिल्कुल। की आ जाती होगी। तो इसकी कॉस्टिंग 20,000 से लेकर 80,000 तक जा सकती है। बेसिकली ये यूवी रेडिएशन से आपका बैक्टीरिया और बाकी को यूवी, ट्रीट हाँ करता है, यूवी भी है, इसमें एयर फ्लो भी है, दोनों फंक्शन हवा से, ठीक है। तो 50 और 50 के अराउंड मान सकते हैं कि हमारा ये दो मशीन, एक तो एयर कंडीशनर और लेमिनार में आ गया, जी बाकी जैसे जार है और ये हमारे रैक हैं, उसमें कितना खर्चा हो गया होगा। मैं आपको बताऊंगी कि इस लैब के अंदर 5 लाख के आसपास का खर्चा हुआ है।
जिसमें ये रैक और एवरीथिंग लाइट्स भी है, बॉटल्स भी है, और ये इक्विपमेंट्स भी जो आप देख रहे हैं वो भी है। अच्छा, तो हम कीड़ा जड़ी समझ गए कि ये एक हर्ब है, बेनिफिशियल है, मार्केट में अवेयरनेस कम है लेकिन जिनको पता है वो खरीदते हैं। अभी समझते हैं कि इसको, जैसे हिमाचल में ठंड रहती है, बैक्टीरिया कम रहते हैं, तो वो क्या क्या एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो समझाइएगा कि ओपन में नहीं हो सकता, प्रोटेक्टिव में और हाँ, वो चाहिए से, तो इसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? बेसिकली इंडोर फार्मिंग ही होता है। इसमें क्या है कि आपको कूलिंग चाहिए, जिसके लिए हमने एसी लगाए हैं। कितना टेम्परेचर रेंज? ओनली 18 से 22 मेंटेन करना है, 18 से 22 डिग्री तो नॉर्मल एसी लग जाएगा। और क्या रिक्वायरमेंट्स है? और ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी के लिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो हम बना रहे हैं हिमालयन का है, तो वहाँ पर कंटेमिनेशन फ्री बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। बेसिकली हमारे को लैमिनार मशीन चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर चाहिए, और ठंडक रखने के लिए एसी चाहिए। और वो भी हमारा सर्दियों में शायद नहीं चलेगा। नहीं नहीं, सर्दियों में नहीं चलेगा, है ना, मतलब जब 20 से ऊपर जाएगा, हाँ, से 20 तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर से बंद हो जाएगा। ये जैसे ह्यूमिडिफायर है, ये कितने का आ जाता है, कहाँ से? ये 5000 तक का आ जाएगा, ये साइंटिफिक स्टोर से मिल जाता है इसीलिए। अच्छा, तो बहुत ज्यादा कोई हाईटेक मशीनें नहीं है कि कहीं से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, नॉर्मल मिल जाएगा सब? बहुत बढ़िया। हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कीड़ा जड़ी उगाने का प्रोसेस क्या रहता है, उसमें थोड़ा डिटेल में बारीकी से शुरुआत से बताइएगा। जी, तो सबसे पहले हमारा इसमें रहता है ये टिश्यू कल्चर, जो हम स्टार्टिंग में देते भी हैं, जो लोग भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट हमारा जो होता है वो टिश्यू कल्चर से होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। फिर इस टिश्यू कल्चर से हम लिक्विड स्पॉन बनाते हैं। अच्छा, लिक्विड स्पॉन बनाने के बाद थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस होता है, हम सब्सट्रेट बनाते हैं, जो ये ग्लास जार्स में हमारा ट्रांसफर होता है। अच्छा, तो थोड़ा और डिटेल में बताइए, ये कल्चर जो है, तो बेसिकली ये इसका स्पॉन होता है जैसे मशरूम में होता है, ये खुद ही प्रोपोगेट कर सकते हैं या कहीं से एक मिल गया और आगे बढ़ता जाएगा? हाँ, ये आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन कहाँ से मिल जाता है और इसका क्या प्राइस रहता है? ये अभी हमने थाईलैंड से लिया था। अच्छा, और इसका जो प्राइस है वैसे 10,000 रुपीज का हमें ये कल्चर मिलता है एक पैकेट। बट स्टिल हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी। अच्छा, तो फिर थोड़े से प्राइसेस इसके डाउन है, और हमारी हमसे कोई लेता है तो हम कर देते हैं रिजनेबल। अच्छा, तो जैसे हमारे पास ये स्पॉन आ गया, यानी कि उसका बीज आ गया, अब इस बीज को हम कहाँ बढ़ाएंगे, कैसे जार में डालेंगे, थोड़ा स्टेप टू बताइएगा। इसको हम इसका पीस काट के हम कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं, जिससे हमारा लिक्विड स्पॉन रेडी होता है। लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाने के बाद 5 to 6 डेज में रेडी होता है। लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाने के बाद हम फिर उसे हम ग्लास जार में डालते हैं, जिससे ये हमारा फाइनल प्रोसेस निकल कर आता है। तो ये बेसिकली लिक्विड आपका जार है, स्पॉन है। एक्चुअली वो जो टिश्यू कल्चर था उसका छोटा सा पीस काट के हमने इसे इसमें डाला। इसके बाद हम इसे, ये रोटी शेकर है, इसपे रखते हैं रोटेट होने के लिए। रोटेट होने के बाद इस तरह का लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाता है। अच्छा, अभी आप देखेंगे इसपे भी ऊपर माइसिलियम की लेयर आ गई है। नॉर्मल मशरूम के अंदर ये स्टेप नहीं होता, इसके अंदर हमारे को लिक्विड स्पॉन क्रिएट करना होगा, जिसपे हमारे जो छोटा डिब्बी थी वो टिश्यू कल्चर की, उसकी हमने क्वांटिटी को बढ़ा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये कितने टाइम बाद करना होता है और इसमें कितना टाइम लग जाता है? बस ये 5 to 6 डेज का प्रोसेस है, उसका पीस काट के डालते हैं, 5 to 6 डेज के लिए इसे रोटेट होने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद ये लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाता है। तो अभी ये रेडी है। या ये थर्ड स्टेप क्या रहेगा लिक्विड स्पॉन के साथ, अब हम क्या करेंगे? इस लिक्विड स्पॉन को आप जैसे ये ग्लास जार्स देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जैसे ग्लास जार्स है, इस लिक्विड स्पॉन को इस ग्लास जार्स में डाल देते हैं, ठीक है। 5 to 7 ml की हम क्वांटिटी इसमें डालते हैं, और ये धीरे धीरे फिर ग्रो हो जाता है। पहले हम इसे डार्क टाइम में रखते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे जी। ये यहाँ पर हमने इसे डार्क टाइम में रखा है, तो डार्क टाइम मतलब अंधेरा कमरा। हाँ, अंधेरा देना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली लो कॉस्टिंग पे काम करती हूँ, तो लो कॉस्टिंग पे काम करने के लिए हम यहाँ पर कोई डार्क रूम अलग से नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लैक कपड़े से कवर कर देते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कटिंग हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हम कर पाते हैं। तो इसको रिप्रोडक्शन होने के टाइम पे, बढ़ने के टाइम पे लाइट नहीं चाहिए। हाँ, उस टाइम पे लाइट नहीं चाहिए, 8 डेज के लिए हम डार्क रखते हैं।
जब इसमें व्हाइट कलर का माइसीलियम आ जाता है फिर उसके बाद हम इसे 3 to 4 days की मतलब एक प्रोसेस चला देते हैं, फिर लाइट डार्क लाइट टाइप का प्रोसेस रखते हैं और फिर ये हमारा धीरे धीरे ग्रोथ करता है और फिर फाइनल स्टेज पे आ जाता है। तो ये माइसीलियम अभी इसमें तैयार हो रखा है, राइट? हाँ, इसमें अभी ये प्रोडक्शन ये जो हमारा है ये प्रोग्रेस पे है। ये कितने दिन बाद ये स्टेज आई माइसीलियम की? ये सफेद पनस कर रहा है, ये टेन डेज की है। इसमें अभी व्हाइट नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि येलोइश कलर पकड़ चुका है और इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, राइट? तो इस तरह से ये छोटे छोटे निकलना स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और ये फाइनल हमारा लगभग इस तरह से ये तैयार हो जाता है। ये भी 2-3 days और लेगा, ये ऑलमोस्ट रेडी है। और ये स्टेज अटेंड करने में कितना टाइम लगता है, स्टेप वन से लेकर जो हमारे स्टेप थ्री है? स्टेप वन से लेकर ये 2 months तक का आपका पूरा प्रोसेस रहता है। 2 months के प्रोसेस में आपका रेडी हो जाता है, बट स्टिल हम ये मानकर चलते हैं कि आपका 3 months का प्रोसेस आप कैच करके चले, क्योंकि कुछ टाइम हमें लैब को फिल करने में भी लगता है। वन डे में ये लैब फिल नहीं हो जाती है, तो कुछ डेज लगते हैं लैब फिल होने में, उसके बाद फिर प्रोडक्शन आने में। तो 3 months का हम साइकिल मानकर चलते हैं, मींस ईयर में 4 cycles हम निकाल सकते हैं। एक साल में इसकी 4 बार आप अपने इसमें प्रोडक्शन या फार्मिंग कर सकते हैं। और ये अब हमारा कीड़ा जड़ी, ये जो स्टेप हुआ, अब ये कीड़ा जड़ी हमारा तैयार है, 2 से 3 दिन में मतलब तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या करना होता है, मतलब ड्राई करना है, सेल कैसे होता है? हाँ, पहले इसे अब यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, बोतल में से इसे निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसे ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर इसे हम मार्केट में उतारते हैं। तो अब ये पूरा प्रोसेस में 5 lakh के अराउंड की इन्वेस्टमेंट हुई, 3 महीने हमारे प्रोडक्शन साइकिल में लग गए। बिल्कुल, आगे की हमारी क्या जर्नी रहेगी, उसमें कोई अतिरिक्त कॉस्टिंग आएगी, इसको सेल मतलब कैसे करेंगे, कोई पन्नी में डाल के करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। देखो, अगर आप B2B कर रहे हैं, ठीक है, तब तो आप जिप्लो पाउच में भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं अपनी खुद की पैकेजिंग निकालना, तो आप इसके बॉक्सेस बनवा सकते हैं ग्लास जार्स में, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की पैकिंग्स मार्केट में आ रही हैं। अच्छा, तो B2B में कोई मतलब, जैसे हम तो सब्जियां करते हैं, वो तो मंडी में चली जाती हैं, और हमारे लिए बल्क का मतलब यही है कि कोई जैसे रिलायंस फ्रेश में चलेगी, बिग बास्केट में चलेगी, आजकल ब्लिंकिट में हम सप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो मंडी में बेचते हैं और हमारे ग्राहक हैं, तो ऐसी कोई मंडी तो होगी नहीं इनकी? नहीं, इसकी मंडी नहीं है। स्टिल अगर अभी आज के टाइम में देखो तो डिमांड काफी आ रही है, लाइक अगर इंडिया मार्ट पर रजिस्टर है वहां से भी आपको मिल जाएगी, जस्ट ट्रायल से अभी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग इसे बल्क में परचेज कर रहे हैं, चाहे वो उसको मार्केटिंग करने के लिए या इसके बायो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तब इसका यूज किया। इसके और क्या बायो प्रोडक्ट बनते हैं? बायो प्रोडक्ट्स पे लोग इसके साथ टीवी बना सकते हैं, इसके साथ कॉफी बना सकते हैं, कैप्सूल्स इसके बन रहे हैं, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और अभी आफ्टर कोविड आपने भी देखा होगा कि हेल्थ अवेयरनेस लोगों में काफी ज्यादा आई है, तो हेल्थ प्रोडक्ट की सेल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है इसके? हेल्थ बेनिफिट पे सबसे पहले जो हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि ये एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के हेल्प करता है, प्लस सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसे हिमालय व्याग्रा भी कहते हैं, प्लस अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, या किसी को जॉइंट्स पेन रहता है, उन सब में हेल्प मिलती है। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने दिया है और हेल्थ बेनिफिट उठाए हैं। आप ये देखिए कि मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ कि हिमालय से निकाल कर इसे लाते हैं कीड़ा जड़ी को, तो इतनी हाइट से जब निकाल कर लाते हैं तो लोगों की जीविका इससे चलती है, क्योंकि जो हिमालय से निकाल कर लाते हैं उसका प्राइस 15 to 20 lakhs पर केजी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके इतने बेनिफिट होंगे जो इतनी ऊंचाई से लोग इसे निकाल कर ला रहे हैं। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर कोशिश कि हम थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में भी प्रोवाइड करवा पाए, क्योंकि वो अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। नहीं, सही बात है। तो बेसिकली ये हिमालयाज में जंगलों के अंदर वाइल्ड हर्ब है, उगती थी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज और टाइम में, और एक दिन में एक बंदा मुश्किल से 200 ग्राम कीड़ा जड़ी को खोज पाता था, हंटिंग कर पाता था। वो आप कमर्शियल कर लिया तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अब कम आ गई होगी, 15-20 lakh रुपए नहीं है केजी, कॉस्ट भी कम है, और वो 15 to 20 lakhs जो पर केजी प्राइस था वो लोगों के लिए अफोर्ड करना भी आसान नहीं है। राइट 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 तो इससे हम क्योंकि लैब में ग्रो कर रहे हैं,
प्रोडक्शन कॉस्ट हम कम ला पाते हैं, जैसे मैं कॉस्ट कटिंग पे काम करती हूँ, ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जब हमारी कम आती है, प्राइस भी इसका थोड़ा सा अफोर्डेबल कर पाते हैं। तो अपना कंपैरिजन के लिए क्या प्राइस है इसका, जैसे प्रोडक्ट जो अपना तैयार हो जाता है? मेरा मेरी 30-30 ग्राम की पैकिंग है जिसका प्राइस है 2800 रुपीज पर 30 ग्राम। अच्छा, तो वो किलो में कितना आ गया? 93,000 पर केजी हुआ अकॉर्डिंग। 93,000 पर केजी इसका रेट आया जी। अक्सर खासकर के हेल्थ वाली चीजों में वाइल्ड की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है, क्योंकि एक परसेप्शन है कि वो नेचुरल इन द ट्रू फॉर्म होगा तो ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देगा। वो सवाल भी होगा कि कोई 15 लाख किलो वाली चीज है और ये 90,000 किलो वाली चीज है, तो वो सेम रिजल्ट देगा? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वो 15-20 लाख वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो तो हिमालय से देखा जाए तो फ्री में मिल रही है। हाँ, वो तो उसका तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। हाँ, ये कॉस्ट तो सिर्फ ये है कि जो लोग निकाल कर लाते हैं, ठीक है, वो अपनी सिर्फ मेहनत का पैसा ले रहे हैं। निकाल 15 लाख की मेहनत, हम वही काम कर ले, इतनी मजदूरी करेगा मैं इतनी हाइट से जब निकाल कर लाते हैं, ठीक है, और क्या है, पहले उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती थी, अब धीरे धीरे वो बहुत कम होती चली जा रही है। ओवर हंटिंग भी हो गया। एक सिंपल है कि जहां पर डिमांड हो, सप्लाई कम हो, तो वहां पर उसका प्राइस हाई हो जाता है। अदरवाइज तो अगर हम प्राइस वाइज देखें तो वो तो बल्कि फ्री है, यहाँ पर तो हम अपने एक्सपेंसेस लगा रहे हैं। अब एक रिलायबिलिटी की भी चीज होती है, जैसे अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइट लगी हुई है और एसी सबसे मेन चीज है, 22 डिग्री अपने थ्रेशोल्ड है, बाय चांस लाइट चलेगी तो क्या प्रोविजन कर रखा है या कितने टाइम तक ठीक रह जाएगा? जेनसेट लगा सकते हैं, बट स्टिल ये कम से कम भी आपका 5-7 आवर्स तक आपका मेंटेन कर सकता है। अगर लाइट चली भी जाती है तो इजिली हैंडल हो सकता है। प्लस आपका ये क्वेश्चन कि वो हिमालय से मिल रहा है जहाँ पर हम लैब में ग्रो कर रहे हैं, इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है, उसका नाम है कॉर्डिस्पिन, ठीक है, और वो सेम कॉर्डिस्पिन की हम टेस्टिंग करवाते हैं लैब में, जिससे कि हमें भी और खरीदने वालों को भी क्लैरिटी आ जाती है कि इसमें सेम वही कॉर्डिस्पिन है। तो इसके अंदर जब हम टेस्टिंग करवाते हैं, हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग रिपोर्ट होती है जिसमें कॉर्डिस्पिन लेवल जो है वो हमारा मेंटेन रहता है, जो हिमालय में पाया जाता है। अच्छा, तो अच्छा बिक रहा है ये, मतलब कितनी आपकी मंथ में सेल हो जाती है? मेरा, मैं आपको बताऊं, ये 10x20 का रूम है, मेरी प्रोडक्शन 8-10 केजी की इसमें हो जाती है। 8-10 केजी 20x10 के कमरे में पर 3 महीने में? हाँ, पर 3 मंथ्स में, ठीक है, और सिंपल है, अगर हम घर से काम कर रहे हैं थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, तो मेरा जितना है वो इजीली सेल हो जाता है। अच्छा, और 93,000 पर केजी हमारा प्राइस रहता है, और 8 किलो हुआ तो हम पकड़ सकते हैं कि ये 8-1 लाख रुपए तक का आपका 3 महीने के अंदर इस 20x10 के कमरे से कमाई हो जाती है। नहीं, कमाई तो मैं नहीं कहूंगी, मतलब रिवेन्यू हो जाता है। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि खर्चा कितना आ जाता है, क्योंकि एक तो खर्चा अपना फिक्स चार्ज है जो हमने ये सेटअप में लगाया, और अब रनिंग कॉस्ट भी आएगी, कभी हो सकता है कोई बीमारी आ जाए या फिर कोई मशीन खराब हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और आप अगर खुद काम कर रहे हैं तो मतलब ये तो नहीं है कि लेबर लग नहीं रही, उसकी भी एक कॉस्टिंग तो होगी आपके टाइम की, तो 1 किलो गाने में अपना प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाता आपको, है? मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं तो आप 10-15,000 के बीच में इसका मानकर चले कि रनिंग कॉस्ट आती है। मैं पर केजी पर बता रही हूँ, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि कितने केजीज हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सो देट कि समझना आसान हो जाए, 1 केजी पे हमारा 10-15,000 के बीच में खर्चा आता है इस पे। अच्छा। जिसके अंदर मैं काउंट कर रही हूँ ओनली हमारा रॉ मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा। ठीक है, बाकी का मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि जगह अपनी भी हो सकती है, रेंट की भी हो सकती है, और अपना ही घर है। हाँ, अच्छा, तो रेंट वगैरह तो कुछ नहीं है इसमें अराउंड 15,000 3 महीने में 1 किलो गाने का प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, जो कि अराउंड आप पकड़ लीजिए 1,20,000-25,000-30,000 के करीब हमारा 3 महीने का खर्चा आएगा, इन एडिशन टू जो हमने 5-6 लाख रुपए खर्चा कर दिया रैक और इंस्टॉलेशन में, तो करीबन 10-11 लाख तक की पूंजी होनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। रनिंग कॉस्ट का क्या है ना,
कि उसका क्या होता है, हम स्टार्टिंग में मटेरियल कम ले लेते हैं, वो धीरे धीरे आपके एक्सपेंसेस आएंगे। एकदम बेसिक से कैसे चालू कर सकते हैं हम, कितना एकदम बेसिक से चालू कर सकते हैं? 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अगर इससे भी छोटा रूम है अगर, हाँ, तो आप 3-4 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा रूम है तो आप 5 लाख मान कर चले, 1 लाख और एक्स्ट्रा मान लीजिए अगर आपका स्टार्टिंग में आप कुछ रनिंग कॉस्ट के लिए भी रखते हैं तो। फिर बाद में क्या है ना कि जैसे रनिंग होती है वो साथ साथ उसमें फिर एडजस्ट हो जाती है। अभी जैसे सर्दी आने वाली है और अक्टूबर नवंबर के बाद एसी नहीं चलेगा, हाँ। तो अगर कोई ट्रायल के लिए करना चाहे तो एकदम बेसिक छोटा सा जैसे ये 50 का बैच लेके नवंबर में बैच डाल दे और 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी तक, हाँ, हो जाएगा बटन मशरूम में, हाँ, जैसे सीजन में होता है, और फिर वो एक बार मार्केटिंग समझ ले तो क्या वो, और फिर आगे बढ़ा ले तो क्या वो सही तरीका रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखो अगर किसी के पास बजट कम है, हाँ, तो डेफिनेटली यही सबसे अच्छा रहेगा। डिपेंड करेगा सबके बजट पे भी, कि कुछ लोग सोचते हैं कि बजट है हमारे हाथ में तो स्टार्टिंग से ठीक लगाते हैं, अगर बजट कम है देन डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। मेरा मानना यही है कि पहले एक बार देख लें कि हमारे को काम ठीक लग रहा है, मार्केटिंग हो पा रही है, हमसे उग पा रहा है, हमें ये पसंद भी है, और फिर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये अच्छी बात है, जो आने वाले मंथ्स है उसके अंदर और कम एसी वगैरह का खर्चा के बगैर भी कर सकते हैं और बहुत छोटे पे चालू कर सकते हैं। बहुत बारीकियां हैं और ये 10-15-20 मिनट की वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो क्या आप किसी और को जानकारी चाहिए हो, या आप कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, या क्या सिस्टम रहता है, कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उसके बारे में थोड़ा समझाइएगा। अगर कोई जुड़ना चाहे हमसे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमारी साइड से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको सीखना है वो आके सीख सकते हैं। किसी के पास अगर कोई घर पे कोई कमरा खाली है, कोई छत पे कोई रूम है, या कोई भी ऐसा स्पेस खाली है जहाँ पर आपको लगता है कि यूटिलाइज कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया रहेगा खासकर के महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा उगाने की भड़क नहीं है और मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया आने के बाद, हाँ, शायद बिक जाए। काफी हेल्प मिली है काफी। तो आप ही मार्केटिंग देखते हैं या कुछ टीम है आपके पास? मैं वैसे प्रोडक्शन ज्यादा संभालती हूँ, ठीक है, और मार्केटिंग के लिए मोस्टली राहुल हैंडल करते हैं। राम राम राहुल भाई। राम राम जी। आप कब से जुड़े हुए हैं और थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कैसे आए इस धंधे में? मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, जब लैब सेटअप कर रहे थे जो हमने काम स्टार्ट करा, तो मेरी मदर को हेल्प चाहिए थी कि हाँ कोई तो हो कि काम, अच्छा, थोड़ा काम। बेटे हैं? हाँ जी, जी। अच्छा तो उनको हेल्प चाहिए थी कि कोई ना कोई हेल्प भी करे, एंड साथ में कि आज का नया टाइम है मार्केटिंग करने का, थोड़ा सा है कि हमारी जनरेशन को ज्यादा पता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को डाल सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट इस तरह की ई कॉमर्स साइट पे, तो मैं स्टार्टिंग से ही साथ में। क्या उम्र है आपकी? 23। हमारी जनरेशन नहीं ऐसे हम। क्या पढ़ाई वढ़ाई की है? मैंने BBA कंप्लीट करा। अच्छा, और इसी साल मतलब कंप्लीट हुई होगी आप? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट बिक रहा है, मतलब ये ऐसे डिब्बी उठा के तो दे नहीं सकते, कुछ पैकेजिंग करते होंगे, थोड़ा उस माने उगा दिया और आगे बेचने की जर्नी थोड़ी समझाइए ना। हाँ जी, ऑब्वियसली इसके एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं बेचते हम, इसको हम पैक करते हैं, इसको पहले हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद ड्राई करते हैं, फिर इसको पैक करते हैं। हार्वेस्टिंग का क्या तरीका रहता है? हार्वेस्टिंग सिंपल है, बोतल में से आपको इसे निकालना होता है, ठीक है, जैसे ये है, इसमें हम नाइफ की हेल्प से इसके पीसेस करते हैं अंदर, और उसके बाद इसे हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद डिहाइड्रेटर होता है उसमें ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद इसकी पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन लेबर इंटेंसिव काम है, एक एक को मतलब खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ये जस्ट जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो बहुत स्पीड से हो जाता है काम। अच्छा ठीक है, तो ये हार्वेस्ट हो गया। हाँ जी, और उसके बाद मतलब ड्राई करते हैं, उसको ड्राई करने के बाद हम डायरेक्ट उसको पैक करते हैं, सैशेस के अंदर पैक हो जाता है। आप दिखाइए ना कैसे पैकेजिंग का मार्केटिंग कैसे करते हैं। इस तरह का हम बॉक्स बनवाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक बॉक्स है, जस्ट एक ग्रीन टी जैसे हम लेते हैं मार्केट से, उस तरीके का ये बॉक्स है, बट ऑब्वियसली ग्रीन टी नहीं है, इसके हेल्थ बेनिफिट ग्रीन टी जैसे नहीं है, उससे काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। ये इस तरह का बॉक्स है, इसके अंदर हम पैक करते हैं सारा। इसको जैसे कि हम एक गिलास लेते हैं, पहले पानी को बॉइल करेंगे, उसके बाद उसको पेटल्स को इसके अंदर डालेंगे, 1 ग्राम की पेटल्स है, 30 ग्राम का पैक है,
तो पैटर्न्स को डालेंगे एंड 1 ग्राम का उसको बॉइल करेंगे, 5 to 7 मिनट्स उसको रखेंगे, वो इतना अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ेगा, उसके बाद हम इसको ड्रिंक करते हैं इस तरीके से। मेनली ये मतलब चाय के फॉर्म में, ग्रीन टी के फॉर्म में पिया जाता है। जी जी, टी के फॉर्म में पिया जाता है, ग्रीन टी नहीं बोलेंगे, लोगों को लगेगा ग्रीन टी है ये। अच्छा, तो वही ऑरेंज ऑरेंज टी। जी, ऑरेंज टी बोल लीजिए। तो ये आपकी वेबसाइट है या कहाँ कहाँ सेल करते हैं? क्योंकि कोई दुकान तो दिखी नहीं मुझे। नहीं नहीं, हम ऑनलाइन ही ज्यादा फोकस करते हैं कि करने का, क्योंकि देखिए हम दुकान खोलेंगे एक पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर एरिया में खोलेंगे। हम जो ऑनलाइन सेल करते हैं वो हम पूरा ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं। तो हम amazon.com में हमारा रजिस्टर्ड है, amazon.in में रजिस्टर्ड है, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड है, हमारी खुद की वेबसाइट है, वहां से सेल होता है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म से हम सेल करते हैं, सोशल मीडिया से हमारे पास, वहां से हम सेल होता है। तो ये सब चीजें हैं। मैं देख रहा था कि बिजनेस की एक अलग साइड होती है और प्रोडक्शन की अलग साइड होती है। तो जैसे ये डब्बा बनवाना, वो आकर्षित दिखना चाहिए, आपने काफी अच्छे से सब लिखा हुआ है कि क्या बेनिफिट्स हैं, अपना सोशल मीडिया दिया हुआ है, इसमें FSSAI वगैरह के सब लाइसेंसिंग है। मतलब ये लाइसेंस वगैरह कैसे लेते हैं, क्या ये आसान काम है? जस्ट सिंपल है कि ये फूड प्रोडक्ट है। हाँ, खाने की चीज़। हाँ, फूड प्रोडक्ट है तो इसके लिए FSSAI की रिक्वायरमेंट है। वो तो आपको होता है, इजीली मिल जाता है। देखिए आप अपने CA से, आपके पास ये अदरवाइज CA तो मिल जाता है, नॉर्मली आप कॉन्टेक्ट करिए, ऑनलाइन ले सकते हैं। CA से कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको सारे के सारे लाइसेंस प्रोवाइड करवा देंगे। आज के टाइम पे लाइसेंसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन भी अप्लाई करिए। और ये जैसे हमारा 30 ग्राम का है, इसकी पैकेजिंग कॉस्ट क्या आती है? कोरोगेटेड बॉक्स है, कत्ता है। हाँ जी। तो इसकी एक डब्बे की कॉस्टिंग क्या आ जाएगी? ज्यादा नहीं होती है डब्बे की कॉस्टिंग, 70 रुपीज में हमारा पूरा पैकेट पैक हो जाता है, 20 सैशेट्स। अच्छा, वो भी डिपेंड करेगा कि अगर आप बहुत बल्क में बनवाएंगे तो कॉस्टिंग और डाउन आ जाएगी, 70 रुपए का, क्योंकि इसमें सैशेट्स भी है। अच्छा, तो इसमें 70 रुपए कॉस्टिंग आ जाएगी, जिसमे ये डब्बा और इसके अंदर जो इस टाइप से दिखता है। तो ये बेसिकली कीड़ा जड़ी ही है, जो हमारी ये शीशी है जिसमें मशरूम उगा हुआ है। बिल्कुल, ये इसको हम ड्राई करके एज इट इज पैक कर देते हैं। ये 1 ग्राम का, 1 ग्राम को उसको हाँ करके, ताकि किसी को कंज्यूम करने में प्रॉब्लम, क्योंकि सबके पास 1 ग्राम के वो मेजर करने के लिए तो होता नहीं है। तो हमने इसे सीधा पैकिंग बना के डाल दिया कि सीधा 1 ग्राम का पैकेट पाउच खोले और अपना यूज करें। अच्छा, और इसका MRP कितना लिखा है? तो साथ ही उम्मीद करते हैं आपको ये आज की हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।